राजा जी क्या लग रहे हो, बाराती लग रहा है भोसड़ी के, जो नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है। इसकी हरकतें यहीं खत्म नहीं होती है, ये जानवरों के नए नए नाम रखता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक बदक और एक बदकाइन। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विवेक चाहर और आप देख रहे हैं चाहर रिएक्शन किंग चैनल। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं कैरी मिनाटी की एक वीडियो है, वीडियो का नाम है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू क्रिएचर। वीडियो काफ़ी अच्छी है, मैंने पहले भी देखी है। और वैसे ही आपको पता है कि जो जितनी भी वीडियो है कैरी मिनाटी की, रोस्ट इतनी मस्त तरीके से करता है कि उसकी सारी वीडियो अच्छी आती हैं। और हर वीडियो, कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, हर वीडियो उसकी कम से कम 15 मिलियन पार कर जाती है। तो जितने लोगों के व्यूज़ नहीं आते उतनी उसकी डिसलाइक आ जाती हैं, और लाइक्स भी उतनी उसकी हमेशा, अब तो खैर मिलियनों में पहुँच रही हैं, लेकिन पहले भी लाखों में रह रही थी, के में रह रही थी, अब मिलियनों में जा रही हैं। तो उसकी लायक भी और उसका गाना तो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन मैं जो वीडियो है ये थोड़ा पुरानी है, उस पर रिएक्शन देने वाला हूँ। वीडियो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे रिएक्शन आने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को किस पर रोस्ट किया गया आपको पता है? जो इंडिया का इंसान और औरत के बीच का इंसान है, खैर मैं बोलूँगा नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दीपक कलाल। वीडियो बनाई गई दीपक कलाल पर, जिसको देखकर तो आपको वैसे ही मजा आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे बिना किसी ब्रेक के। तो कैसे हैं आप लोग? पता है, मैं ना सोच रहा था, आजकल जो चीजें हो रही है ना इस देश में, उस हिसाब से मानव जात बहुत जल्द बदलने वाली है। हो सकता है तुम्हारे पोते या परपोते तुम्हारे जैसे ना दिखे, हो सकता है उनका सिलेंडर जैसा शरीर हो, हॉकी स्टिक जैसे पैर और मुंह से आग उगलते हो, सकता है वो भारी मात्रा में इकट्ठे होकर कुछ भी हो सकता है यार। खैर मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिला है जो मानव जात को इसी दिशा की तरफ ले जा रहा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है। सुना है कि ये बनाना कच्चा है और इसे पकने में पूरे एक महीने लगे, दिख नहीं रहा, और इसीलिए मैंने ये कमरा पूरे एक महीने के लिए बुक किया है। केला खाने के लिए पूरा एक महीना ही रुक गया, क्या समझ गया? अब मुझे पता, तुम्हें लग रहा होगा कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी, लेकिन ये एक बहुत ही उद्यमी बालक है। आओ देखें इसने एक महीने क्या क्या बकचोदी पे ली। अरे बाप रे, दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान, किसी भी फिक्स लड़कियों की तरह माना उसने। तड़पाना तेरी यादों में भी, तू हाँ कैसे मैं जीतू, हाँ कैसी ये तलब लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। भगवान करे ऐसी लत किसी को ना लगे, ये आधा पौधा आधा इंसान है, अपने होठों में मच्छर दबा लेता है, ये पूरा वीनस फ्लाई ट्रैप वाला सिस्टम है, पकड़ा मसला पचाया हक दिया, लग गई। काले अंगूर लग गई। अभी गोवा में यहाँ पे बहुत गर्मी है और इसीलिए मैं ये स्विमिंग पूल में आया हूँ, क्योंकि स्विमिंग पूल का ये ठंडा पानी जो है वो मेरे तन बदन के तपिश को मिटाता है। किसको मिटाता है? तपिश। बहुत ही गर्मी है गोवा में, बहुत ज्यादा। हिंदी बोला है उर्दू बोला है? वाह, ये पहला इंसान है जो अपने बदन पे चुल्लू भर पानी डाल के ऑर्गेज्म प्राप्त कर सकता है। केले भी क्या रिंग टून लगा रहा है, क्या लगा पूरे एक महीने केले चूसने का इंतजार किया है इसने। देखो सलमान, आपकी ये ट्यूबलाइट जो है वो ऑलरेडी फ्लॉप हो गई है, तो मैं मेरा करियर आपके साथ नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे ऑलरेडी हॉलीवुड से ऑफर आ रही है, बहुत ऑफर आ रही है हॉलीवुड से, यहाँ तक कि स्टीवन भाटी जैसे बड़े बड़े लड़के टोपे से कॉल करके पूछ रहे हैं, भैया जी एक बार गान मटका दीजिए, एलए की लड़कियां ट्वर्क करना भूल जाएंगी। या मैं मानता हूँ कि मैं कश्मीर में फेमस हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, सुपर मॉडल हूँ, और सुपर मॉडल <Super model. laughs>
घर के लिए। हाँ बहुत फॉन फॉर फैन फॉलोइंग। भाई क्या हो गया, ट्रेन से पटरी उतर गई? फॉन फॉर फैन फॉर पिक्चर का जो भी शूटिंग होगा वो सिर्फ कश्मीर में होगा। अगर आपको ये बात मंजूर है तो ही मैं आपके साथ काम करूंगा सलमान। आर यू अग्रीइंग? वाओ आई एम सो हैप्पी। आने वाले कुछ बुरे समय में इसने कश्मीर जाके एक फिल्म की शूटिंग की जिसका नाम था बादशाही लंड। और हम चाहते हैं कि चार चिनार का हमारा जो ये कब्जा है ये हमेशा कायम रहे और इसके ऊपर दूसरा राजा राज न करे। राजा जी क्या लग रहे हो, बाराती लग रहा है भोसड़ी के, जो नाचते नाचते पैसे चुराने वाले बच्चे भगाता है। इसकी हरकतें यहीं खत्म नहीं होती है, ये जानवरों के नए नए नाम रखता है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक बदक और एक बदकाइन। बदकाइन बदकाइन क्या नाम रखा है, वाह वाह वाह। केले पकने का इंतजार करोगे तो यही होगा। ये हमारी बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है। बाहू बिल्ली। और कैप्शन में तो कमाल ही कर दिया इन्होंने। माय पुसी, आर यू मिसिंग मी? अरे ये कौन सी पुसी है, कैसी पुसी है, किसकी पुसी है, मुझे नहीं जानना। अब इसने सोचा मुझे अपनी बकचोदी दुनिया के हर कोने में फैलानी चाहिए, इसलिए इसने पहाड़ चढ़ने का फैसला लिया। आओ देखते हैं इसका ट्रैवल व्लॉग। रोशन भैया, हम अभी इस खूबसूरत टेंट में सो रहे हैं, लेकिन मैं अभी ठंड से ठिठुर रहा हूँ। और मैं अभी बहुत ठिठुर रहा हूँ। बेचारा कितना ठिठुर रहा है, अगर गूगल पे सर्च मारोगे ना पहाड़ पे ठिठुरता हुआ आदमी, सबसे पहले इसकी तस्वीर आएगी। अरे ऐसे ठिठुरता है कोई? ब्यूटी शॉट चल रहे हैं, कैमरा एंगल चेंज हो रहा है, मेरा तन बदन कांप रहा है। हाँ तन बदन धन सन सब कांप रहा है। तन बदन क्यों घुसेड़ देता साहब, बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारी जोड़ी में सही मिल रहा हूँ मेरे हिसाब से। रागी सावन तो दोनों ये ऐसी वो ऐसी ये ऐसे पप्पी करते हुए इसकी मूर्ति बननी चाहिए। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मुझे पता चला है कि कश्मीर में जो है वो मेरा स्टैचू बना रहे हैं, मेरा स्टैचू बना रहे हैं। ये दूसरी बार हो रहा है यार मेरे साथ, ये क्या मायावी शक्तियां हैं। मेरे स्टैचू का पोज भी मुझे पता चला है जिसमें मैं ऐसे मॉक कर रहा हूँ। बस कर यार बस कर, रात में बिजली के झटके लेके ऊर्जा पैदा करता है ये, केले के पेड़ के साथ शारीरिक संबंध है इसके, हथनी की सूंड पे चढ़ के सूर्य नमस्कार करता है ये, खाली वक्त मुंडे पे बैठे बैठे अपनी पुसी खुजलाता है ये, इसे बंदी नहीं नसबंदी का शौक है। और अगर गलती से कोई इसके केले को गलती से भी छू दे तो ये उसको देख के कहता है तो यार बस नहीं, प्लीज इस बंदे पे यार हेट मत देना, जो कहना था मैंने कह दिया तुम्हें। अब अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2 लाख। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ अपनी तपिश मिटाओ या ऊर्जा पैदा करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय। वीडियो देखा मजा आया ना, वीडियो वास्तव में अमेजिंग था। और शुरू से मैं बोला था कि वीडियो में आपको मजा आने वाला, शुरू से एंड तक हर जगह पे आपने देखा कि उसने पॉइंट टू पॉइंट हर जगह मजा, पूरी वीडियो में मजा आया। शुरू से ही उसने लिया दीपक कलाल को केले के लिए, और उसने जहाँ एडिटिंग करता है सहलाते हुए कि फिर पीछे एक रोमांटिक तरीके का सॉन्ग लगा देता, बहुत मस्त तरीके से एडिटिंग करता है, और एडिटिंग के साथ बोलना भी बहुत अच्छी तरह से जानता है वो कि मुझे कहाँ बोलना है क्या बोलना है, वो सारी स्क्रिप्ट उसकी बहुत मस्त होती है, और कौन सी स्क्रिप्ट को कहाँ लगाना है और कहाँ बोलना है ये उसकी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। और जो और देखने में जो मज़ा आता है एक व्यूअर को वो बहुत अच्छी तरीके से आता है। और उसने एक पहले पोस्ट दिखाता है कि भाई इसकी इस तरीके से मूर्ति बननी चाहिए, फिर उसके बाद में उसने वो एडिट किया कि हाँ मेरी मूर्ति गुजरात में इस तरीके से बन रही है। तो इस तरीके से उसने बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाता है, और वीडियो में जब खुद हम देखते हैं एक न क्रिएटर की तरह बल्कि एक व्यूअर की तरह देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वही कैरी की तरह कि आप अपनी तपिश मिटाओ या कुछ भी करो बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।